माँ सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण करते हुए आदरणीय धनंजय सिंह जी चाहेंगे कि माल्यार्पण के बाद दीप प्रज्वलन भी हमारे अतिथि के माध्यम से हो। मैं RWA वृंदावन गार्डन की ओर से माननीय अतिथि जी का धन्यवाद करता हूं। हमारे छोटे छोटे बच्चे इस वक्त मौजूद हैं और वे माँ सरस्वती की वंदना करेंगे। हर शब्द तेरा हर गीत तुझसे, हम हैं अकेले हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से तार दे माँ। मुनियों ने समझे, गुनियों ने जाने, वेदों की भाषा पुराणों की वाणी, हम भी तो समझे हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। जोरदार तालियों के साथ हमारे बच्चों का उत्साह वर्धन करें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं माननीय अतिथि महोदय से निवेदन करूंगा कि वे ध्वजारोहण करें। RWA अध्यक्ष श्री रतिपाल नागर जी, हमारे सभी वरिष्ठ मास्टर जी से भी निवेदन है कि कृपया वे सहयोग करें। सभी लोग अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। भारत माता की जय। वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की। सभी लोग राष्ट्रगान के लिए अपनी जगह पर खड़े रहे। जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा, द्राविड़ उत्कल बंग, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्चल जलधि तरंगा, तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे, जय 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 हे, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। कृपया सभी लोग अपना स्थान ग्रहण करें। हम माननीय अतिथि आदरणीय श्री धनंजय जी से निवेदन करेंगे कि वे कृपया दो शब्द कहकर हम सभी का मार्गदर्शन करें। कृपया सर मंच पर। Thank you.
आज इस शुभ दिवस पर हम सभी नागरिकगण अपने गणतंत्र दिवस का 74वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। और सर्वप्रथम मैं आप सभी माननीय नागरिकों का हृदय से वंदन अभिनंदन करता हूं कि आपने मुझे इस शुभ अवसर में सम्मिलित होने का और अपना वार्ता अपने मुख से कुछ कहने का अवसर प्रदान किया है। इसके लिए मैं आपका आभारी हूं और आपका मैं हृदय से वंदन करता हूं। चूंकि हम बचपन से ही जब पैदा हुए तो स्वतंत्रता में पैदा हुए और पराधीनता की कहानियां सुनते चले आ रहे हैं, बड़े आसानी से हम मना लेते हैं। लेकिन यह आज़ादी जो आज हम मना रहे हैं या हमारे बच्चे जिस आज़ादी में जी रहे हैं या हमारे उन सपूतों उन हमारे महानुभावों या हमारे जो त्याग किए पुरुषों का बलिदानों से प्राप्त हुआ है उनको हम इसी के दिन याद करते हैं, चाहे हमारा स्वतंत्रता दिवस हो या गणतंत्र दिवस। यह सर्वथा हमको याद रखना चाहिए कि पराधीनता की जो हमारी बेड़ी होती है कितनी मुश्किल की होती है, हमारे कितनी माताएं हमारे कितने पिता अपने पुत्रों को बलिदान दे दिए। आज हम अपने पुत्रों के लिए क्या करने के लिए सोचते हैं, क्या क्या कुछ कर पाते हैं, क्या सपने सजोते हैं। उस समय सोचिए कि हमारे बाप या हमारे माताएं या उस समय के जो हमारे लोग रहे अपने पुत्रों को इस स्वाधीनता की लड़ाई में आगे करके उनके बलिदानों को गर्व से कहते थे कि हमारा पुत्र जो है देश के लिए बलिदान कर गया। तो हमें हर हाल में इस स्वाधीनता को बचाए रखना चाहिए। इसके लिए हमें अपने बच्चों को प्रेरित करना चाहिए कि देश है तभी हम हैं, हम तभी हैं जब हमारा देश है। हमारी एकता और अखंडता हमारे देश का हमारे संविधान का परिचायक होती है। अगर हम विखंडित होते हैं तो कहीं ना कहीं कमजोर होते जाते हैं और एक दिन होता है कि कोई हम पे कुदृष्टि डालकर हमारे ऊपर अपना आधिपत्य कर लेता है। दूसरों के अधिकार में जीना कितना कठिन होता है हम महसूस भी नहीं कर पाते। ईश्वर ना करे कि कभी किसी को किसी के पराधीन रहना पड़े। आज हम या आप जो जीवन जी रहे हैं यह कितना सुखमय है, लेकिन जो कल था बीता हुआ कल वो कितना कठिन था उस पर भी विचार होना चाहिए। क्योंकि जब हम पुरानी चीज़ों को याद रखते हैं तो आने वाले कल में उन चीज़ों को बचाते हैं। सर्वप्रथम 26 जनवरी 1930 को जब हमारे तमाम वीर सपूतों ने अपने बलिदान दे दिए और आज़ादी प्राप्त नहीं हुई तो 26 जनवरी 1930 को एक नारा दिया गया कि अब पूर्ण स्वतंत्रता ही हमारा अधिकार होना चाहिए। और उसके बाद हमें 15 अगस्त 1947 को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, लेकिन पूर्ण स्वतंत्रता हमें हमारे संविधान लागू होने के बाद ही हुई। तो उसी 26 जनवरी 1930 के दिन को याद रखते हुए 26 जनवरी को 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया और पहली बार हमारे राष्ट्रपति महोदय जो हमारे देश के सर्वोच्च पद पे माने जाते हैं श्री राजेंद्र जी राजेंद्र प्रसाद जी को बैठाया गया। और तभी से हम अपने आज़ादी के रूप में गणतंत्र दिवस का एक समारोह या अपना एक धर्म ध्वज फहराते चले आ रहे हैं। एक ऐसा धर्म है जिसके नीचे हर वर्ग का हर जात का हर धर्म के लोग इकट्ठा होते हैं और गर्व से अपना सीना ऊपर कर कहते हैं आज हम स्वतंत्र हैं या गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। तो मैं चाहूँगा
इसको बनाए रखें, आने वाले पीढ़ियों में ये सब चीजें बताई जाए। और इसी के साथ मैं अपनी बातों को समाप्त करता हूँ। बड़ा अच्छा लगा, आपने मुझे इस योग्य समझा, अब मैं आप लोगों का आभारी हूँ। एक बार मैं चाहूँगा आप हृदय से जयकारा लगाएं, भारत माता की वंदे वंदे, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत ही अच्छे विचार आपने रखे, और आपकी बातें सुनते हुए मुझे एक देश के बहुत बड़े साहित्यकार हुए अयोध्या सिंह हरिओत, उन्होंने एक चार लाइनें लिखी, ना पूछो जमाने से, ना पूछो जमाने से क्या हमारी कहानी है, हमारी तो पहचान इतनी है कि हम सब हिंदुस्तानी हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर। 74वें गणतंत्र दिवस और बसंत पंचमी के इस पावन अवसर पर हमें आदरणीय चौकी प्रभारी श्री धनंजय सिंह जी का सानिध्य मिला, उनके विचार सुनने का अवसर मिला, और हम लोग ये चाहेंगे कि हम उनके विचारों को सुनकर उसको क्रियान्वित भी करें, और गणतंत्र दिवस का अवसर पूरे जोशो खरोश के साथ मनाएं। मैं अब इस अवसर पर हमारे रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष माननीय श्री रतिपाल नागर जी से अनुरोध करूंगा कि वे भी मंच पर आएं और दो शब्द कहें। पहले आपका एक बार जोरदार तालियों के साथ हमारे अध्यक्ष महोदय का स्वागत करें। इतना जो ये बढ़िया कार्यक्रम आप देख पा रहे हैं उन्हीं के नेतृत्व में हो रहा है। आप सभी को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम सब इकट्ठे हुए इस पर्व पर, और हमारे सीनियर प्रभारी श्री धनंजय जी यहाँ पर आए, उन्होंने इस महासोह का आनंद बढ़ाया, उत्साह बढ़ाया, और कॉलोनी में सबको साथ, सबका विकास, सबके विश्वास के साथ ये काम होते हैं। मेरे अकेले से कुछ नहीं होता, सभी लोग मेरे साथ हैं। इसी के साथ मैं अपने वाणी को विराम देते हुए, भारत माता की, भारत माता की। धन्यवाद नागर जी। हमारे माननीय सबसे वरिष्ठ सदस्य इस वृंदावन गार्डन के आदरणीय मास्टर जी से भी निवेदन करेंगे कि वे भी दो शब्द कहकर हम सभी का मार्गदर्शन करें। आदरणीय धनंजय सिंह के और सभा में उपस्थित सभी सदस्यों को, हम पंद्रह अगस्त 1947 को आजाद हुए, वीरों ने कुर्बानियां दी। देश को चलाने के लिए संविधान की आवश्यकता होती है, उस संविधान के लिए लगभग दो साल का टाइम लगा, और जब वो 26 जनवरी 2050 को देश में लागू किया गया, तब से हम हर वर्ष, ये 74वां वर्ष है जो हम गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। संविधान के रूप में जो कानून बने वो जनता के लिए बने, गरीबों के लिए बने, रईसों के लिए बने, और सभी जातियों के लिए बने। इन शब्दों के साथ मैं अपनी मानी, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे वंदे। धन्यवाद आदरणीय मास्टर जी। अब इस कार्यक्रम के बाद हम बच्चों का अपना सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू करने जा रहे हैं। मैं इस कार्यक्रम के लिए मंच पर हमारे एक युवा साथी हेमंत को बुलाऊं, उससे पहले मुझे चार लाइनें अपने इस राष्ट्रध्वज तिरंगे के लिए कहनी है। अलग है भाषा, अलग है भाषा, धर्म जात और प्रांत भेष परिवेश, अलग है भाषा, धर्म जात
और प्रांत दोष परिवेश।